विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बसंतलाल भमनिया, सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, चित्रकला विभाग। आज चित्रकला विषय में बीए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और एमए की क्लास के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। टॉपिक है कंपोजिशन, संयोजन। कंपोजिशन क्या है, इसको किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, संयोजन का इसका हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले हम सोचते हैं, विचारते हैं, किसी मुख्य बिंदु को लेकर कई सारे विचार करने के बाद, योजनाएं करने के बाद किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं और फिर उस कार्य में, उस टॉपिक पर हम कार्य करते हैं और एक सफल कार्य को अंजाम देते हैं। इसी प्रकार यहाँ हमारे सिलेबस में ये भी जो कंपोजिशन का आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये है कंपोजिशन। इसका अर्थ संयोजन, संरचना या रचना को कहते हैं। कला के विद्यार्थी होने के नाते या एक सफल या श्रेष्ठ कलाकार के लिए कलाकृति की रचना में प्रयुक्त अनेक दृष्टिगत तत्वों, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की वह कला जिसमें अंकन में प्रभाव एवं रमणीयता यानी कि सुंदरता उत्पन्न होती हैं तथा कलाकार के द्वारा रचित वह रचना कलाकृति संतुलित होती हैं, इसे ही कंपोजिशन कहा जाता है। इसमें तीन प्रकार से हम समझा सकते हैं। पहला है रैखिक संयोजन, दूसरा है आकाशीय संयोजन, तीसरा है रंग संयोजन। रैखिक, आकाशीय और रंग संयोजन। अब रैखिक संयोजन क्या है, लाइनर कंपोजिशन अर्थात चित्र में गहराई अर्थात मोटेपन का आभास नहीं होता है, केवल रेखाओं के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, ये रैखिक संयोजन है। दूसरा है आकाशीय संयोजन, स्पेशियल कंपोजिशन अर्थात जो गहराई का आभास देते हैं और संयोजन में चित्रित वस्तुओं के रंगों को क्रमशः धुंधला करके उनमें दूरी का आभास दिया जाता है।
पर्सपेक्टिव का आभास दिया जाता है। 3D इफेक्ट कह सकते हैं, वो उसमें हमें आभास देता है। तीसरा है रंग संयोजन, कलर कंपोजिशन, अर्थात उपरोक्त दोनों के मिश्रण से बनता है। चित्रित वस्तुओं के रंगों की मात्रा से उनमें दूरी आदि पर्सपेक्टिव का आभास उत्पन्न किया जा सकता है। 3D इफेक्ट लाया जा सकता है रंगों की योजना, रंग संगति, वर्ण एकता, कलर यूनिटी, वर्ण गरिमा, रंग मान, कलर वैल्यू और कलर स्कीम आदि के द्वारा एक श्रेष्ठ लोकाकर्षक तथा सशक्त कंपोजिशन तैयार किया जा सकता है। और तभी सही कम्युनिकेशन द्वारा एक सफल संप्रेषण से कलाकार द्वारा कृति के माध्यम से दिशा दिया जाने वाला संदेश कृति के माध्यम से दिया जाने वाला संदेश अथवा भावों और विचारों को दर्शकों तक सही रूप में पहुंचाया जा सकता है और दर्शक आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकेगा। संयोजन अथवा रचनाकारी के अंतर्गत एक श्रेष्ठ कलाकार चित्रकला के विस्तृत अभ्यास के साथ साथ उसके दर्शन, इतिहास व तकनीक का विशद अध्ययन भी करता है। तभी कलाकार की कला में सादगी, सहजता व काल्पनिकता के गुणों को महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि संसार भर में कई चित्रकारों, कलाकारों जैसे जिनमें पिकासो, गंधवादी कलाकार विश्व के महानतम कलाकारों में, गंधवाद के पिकासो, भाववाद के मातीश और भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर आदि जैसे कई विश्वविख्यात चित्रकारों ने अपनी कला, चित्रों में सहजता आदि गुणों को उत्पन्न कर इसे संसारमय बनाया और ऐसी उन्नत कला को लोक स्वीकृति भी मिली, जिसे उस काल और पीढ़ी के अतिरिक्त आगे भविष्य काल के कलाकारों ने भी आदर्श मानकर उससे प्रेरणा ग्रहण की। साथ ही ऐसी कला को आदर्श कला माना गया और एक कलाकार को कला के सभी तत्वों एवं षडंगों का भली भांति अध्ययन करना नितांत आवश्यक हो जाता है और तभी एक सफल कृति की रचना, संयोजन, कंपोजिशन को तैयार किया जा सकता है। विद्यार्थियों, कंपोजिशन की चर्चा में आपने सुना, इसको नोट भी करना है आपको और प्रत्येक लाइन और जो शब्दार्थ भावार्थ हैं उनको समझना है। कंपोजिशन केवल चित्रकारों और कला के विद्यार्थियों के लिए भी नहीं, ये आम जन और आम जीवन में भी इस कंपोजिशन के लेसन को समझना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में भी यह बहुत उपयोगी है। आज की चर्चा यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।